ये हम चल रहे हैं प्लेन से हम जाने वाले हैं लखनऊ, और लखनऊ के बाद हम फिर दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो एक्चुअली सॉरी दिल्ली हम जा रहे हैं, बट दिल्ली हम जाएंगे दिल्ली होके दिल्ली वाया दिल्ली। और आप ये देख रहे हैं एक्चुअली ये ओझा वीडियो बना रहा है और मैं फ्रंट में पायलट हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था मैंने ट्रेन को ऑटो करेक्शन में चला दिया और मैं आया हूँ इसको करेक्ट, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। करेक्ट। और फोकस पे बादल भी है पब्लिक भी है प्लेन भी है, सोचने की बात है कि चल कैसे रहेंगे। पुराना एयरपोर्ट का बिल्डिंग है ये। और वहाँ पे आपने देखा वो डुक्कर गाड़ी है, डुक्कर गाड़ी आपने सुना है कभी? नहीं नहीं नहीं, डुक्कर गाड़ी क्या होता है राकेश? डुक्कर गाड़ी कैसा होता है? उसका शक्ल डुक्कर का होता है। अच्छा, मतलब वो जैसे आपको चालू करना होता तो आपको किक नहीं करना होता, आपको ऐसे करना होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अभी, राकेश क्या आप हमें बता सकते हैं अभी जो बारिश होगी या नहीं होगी या ये तो खुदा भी नहीं जाने, लेकिन हमने मशीन लर्निंग लगाया है। मशीन लर्निंग लगाने का ये समझा है कि जब वो कौवा जो सामने उड़ रहा है, नोट करिएगा, कौवा आपके साथ चल रहा है पैरेलल में चल रहा है, राइट राइट राइट, कौवा जब जब गायब होगा तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि चलिए आएगी बारिश। ओके ओके कूल। तो ये मशीन लर्निंग आपने लगाई, ये बहुत आपने अच्छा किया। आईटी का ट्रेंड है, मतलब आजकल लोग 2+2 में भी मशीन लर्निंग लगाते हैं, तो हम पता ये प्रॉब्लम मैंने मीडियम पे पढ़ा था, मैं जस्ट से थोड़ा मैंने मीडियम पे देखा कि इवन जो सिंपल प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है उस पे मशीन लर्निंग लगाया जा रहा है और उसके लिए फंडिंग लिया जा रहा है। आपने तो इतना ही पढ़ा है, हम आपको बताते हैं, लोगों ने ये कहा है कि अगर एक पार्टिकल एक कोई भी चीज का मुझे पास्ट मिल जाए तो मैं खुदा बन जाऊंगा, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं है। बट ये ट्रू है, ये आइंस्टीन ने भी तो बोला था, उसका पास्ट देख के तू बता सकता है, क्योंकि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है कि आप अनसर्टेनिटी जैसे ही आप अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व कर देते हो, विच मीन्स कि आपको पता है कि क्या होने वाला है, राइट? एंड पता है मींस आप खुदा हो। नहीं, बट वो जो कंसेप्ट मशीन लर्निंग का, पता नहीं हो सकता है ओझा की बात सही हो, बट ये सेम स्टेटमेंट उसने भी बोला था। मैंने अभी आपने ये सुना, जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो जो उसका साइंटिस्ट था उसने बोला कि मुझे विष्णु जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे लेवल का एक मैंने चीज वेपन बनाया जो कि अपार मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये हमने आर्टिकल पढ़ा था और हम इसको बोलना चाहेंगे ट्रस्ट से कि उसने दारू पी के स्टेटमेंट दिया था। अब हम आपको कुछ और बताएं, वो श्योर नहीं है। अच्छा, अब हम दूसरा आपको एक बात बता रहे, तूने सुना कि हॉकिंस का लेटेस्ट क्लेम है, हॉकिंस ने भी दिया था ना लेटेस्ट, मर तो गया लेकिन उसने लेटेस्ट एक कमांड दिया था ना, क्या कि मैंने टाइम ट्रेवलर को उसने बोला था कि 9 जून को अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो आके मेरे साथ ब्रेकफास्ट करें, पर नहीं किया, कोई नहीं किया। वही है, आप टाइम ट्रैवल इसी तरह एक आर्कमेडिक हाउस ने क्या बोला था, हमको एक लीवर इतना बड़ा दे दो हम अर्थ को उठा के अपने एक्सिस से हटा देंगे। आर्कमेडिस पढ़ा था ना? हाँ हाँ। तो मैं यही बोलूंगा कि इसमें एक इश्यू है। यस, इशाद जैसे एक एंट है, एंट हाँ उसको सिर्फ आगे का अपना दिखता है डायमेंशन। आई एग्री विद यू, एंट उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। सिमिलरली हम टाइम में टाइम के कोऑर्डिनेट्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, देयर इज अ इशू इन दैट। या तो फिर लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि मशीन लर्निंग से भगवान बन सकते हैं? मशीन लर्निंग तो मैथ्स से सिंपल है। नहीं, मशीन लर्निंग मैथ्स है, लेकिन मशीन लर्निंग एक हमें एक आइडिया देता है जिससे कि हम जैसे 100 ह्यूमंस एक साथ काम कर रहे हैं, बट उनकी जो क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस है अगर वो एक ह्यूमन को मिल जाए, ये मशीन लर्निंग हमें पॉसिबल कराता है। जैसे 100 लोग पैरेलल में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सबके पास इंडिविजुअल है, बट मशीन लर्निंग हमें वो कैपेबिलिटी देता है कि हम उन सबके आइडियाज को एक साथ यूज कर सकें। अच्छा, बिकॉज हम 100 या 1000 इवन 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स पे पॉलिनोमियल इक्वेशन फिट करते हैं, मतलब बहुत ही हाई डिग्री का इक्वेशन फिट करते हैं उसमें, तो वो कोई भी एक सिंगल ह्यूमन बींग कर नहीं सकता, लेकिन तुझे लगता है कि उस एक्यूरेसी के साथ और उस टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये तो हमेशा प्रेडिक्टिव ही रहेगा, कभी एक्यूरेट तो रहेगा। जैसे वो द मैन फ्रॉम द अर्थ मूवी में बोला, इंटेलिजेंस ऑफ वन मैन कैन नेवर एक्सीड द क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन रेस एट दैट टाइम। भाई हम चल चुके हैं, हम प्लेन और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
क्योंकि अभी हम लोग साउथ बॉम्बे देख पाएंगे, हर बार में एफ वाला भी चला तो हम लोग को उधर वाला दिखता था नॉर्थ वाला, अभी हम लोग को साउथ वाला दिखेगा। वो देख वो देख वो देख वो देख 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 साउथ बॉम्बे दिख रहा है ना अभी यार, हर बार उस साइड से लास्ट वो सब दिखता था लास्ट वेगास है भाई। ये लास्ट वेगास नहीं है, ये मुंबई है यार, झोपड़ पट्टी दिखा जल्दी नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। हाँ नहीं तो प्रूफ भाई। ओ भाई वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख सीलिंग, अभी वो क्या वो समुद्र के है, वो देख सीलिंग दिख रहा है। अरे यार बैंड्रा वर्ली वर्ली हाँ बैंड्रा बैंड स्टैंड है, वो बैंड स्टैंड है, ये पत्थर पे लोग बैठे हुए दिख रहे थे। इस तरफ का कोस्ट लाइन उतना अच्छा नहीं है, शाहरुख भाई उस तरफ का कोस्ट लाइन अच्छा है जुहू के वजह से, यहाँ का कोस्ट लाइन बहुत ही गंदा है। एक्चुअली थोड़ा फॉगी है, अदरवाइज काफी क्लियरली दिख जाता। लेंस यार बड़ा वाला लेंस लाना चाहिए। एनीवे अब हम लोग एक टर्न लेंगे ऐसे और फिर हम अपने डायरेक्शन की तरफ मूव कर देंगे। आई थिंक दिस इज इट, बाय बाय।